घायल हो गईं। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण से पहले देर रात तक चली शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की बैठक में डिप्टी सीएम, स्पीकर और मंत्रियों का मुद्दा भी सुलझ गया। इस बैठक के मुताबिक महाराष्ट्र में एक ही डिप्टी सीएम होगा जो एनसीपी के कोटे में गया है। हालांकि डिप्टी सीएम अजीत पवार होंगे या कोई और होगा यह अभी तक साफ नहीं है। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर का पद कांग्रेस को मिला है। बताया गया कि उद्धव ठाकरे के साथ एक से दो मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, बाकी का मंत्रिमंडल विस्तार विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद होगा। चर्चा है कि कैबिनेट में उद्धव ठाकरे समेत कुल 43 मंत्री होंगे, जिनमें शिवसेना के 15, कांग्रेस के 13 मंत्री होंगे। एनसीपी के कोटे से डिप्टी सीएम समेत कुल 14 विधायक मंत्री बनेंगे। स्पीकर होगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, डिप्टी स्पीकर होंगे एनसीपी की ओर से, और बाकी की भी जो और सारी जो बातें हैं उससे जुड़ी हुई, ये सब को हम आगे आने वाले 2-3 दिनों में उसको अंतिम करेंगे। लेकिन नहीं, उप मुख्यमंत्री के बारे में ये स्पष्ट है कि उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ही उप मुख्यमंत्री रहेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी एक रैली में फूट फूट कर रोने लगे। उनकी ये रैली मंड्या जिले के कृष्णराजपेट विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां 5 दिसंबर को उपचुनाव है। इसी सिलसिले में पूर्व सीएम कुमार स्वामी वहां पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे। रैली में भाषण के समय वो काफी भावुक हो गए। उनको कई बार अपने आंसू पोंछते हुए भी देखा गया। कुमार स्वामी ने रैली में लोगों से बीजेपी के उम्मीदवार को सबक सिखाने के लिए कहा। इस सीट से केसी नारायण गौड़ा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो पहले जेडीएस में थे। जिन 17 विधायकों के इस्तीफे से कर्नाटक में कुमार स्वामी सरकार गिरी थी, उनमें केसी नारायण गौड़ भी थे। यही वजह है कि उनके खिलाफ भाषण देते वक्त वो भावुक हो गए। कर्नाटक में कुल 15 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, और ये वही सीटें हैं जो कांग्रेस जेडीएस विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी।